हरियाणा स्वास्थ्य कर्मचारी तालमेल कमेटी की राज्य स्तरीय बैठक रविवार को जींद में हुई। इन कर्मचारियों ने कहा कि सरकार अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो वे आंदोलन की तरफ कदम बढ़ाएंगे। जींद में हुई इस राज्य स्तरीय बैठक में कर्मचारियों ने मांग उठाई कि केंद्र सरकार की तर्ज पर उनको हायर एजुकेशन पेशेंट अलाउंस दी जाए और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जिन कर्मचारियों को कच्चा किया गया है सरकार नया बिल लाकर उनको पक्का करने की करे, और अगर 2 महीने के अंदर सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वह कोई भी आंदोलन शुरू करने पर मजबूर होंगे। जींद से ऋषि मेहंदीरत्ता, आज़ाद टीवी न्यूज़। जो स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको स्वास्थ्य विभाग के नाम पे कोई भी सुविधा हमारे को मिल नहीं पा रही, और हमारा जो कार्य है उसका क्रेडिट कर्मचारियों को ना जा करके किसी और के खाते में जा रहा है। तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि पेशेंट केयर अलाउंस सभी कर्मचारियों को दिया जाए जैसे केंद्र देता है। केंद्र के स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले सभी तरह के कर्मचारियों को हर महीने 2000 से ऊपर पेशेंट केयर अलाउंस मिलता है, वो दिया जाए। हायर एजुकेशन यदि कोई कर्मचारी करता है, पीजी करता है, डॉक्टरेट करता है, उसको उस हायर एजुकेशन का अलाउंस दिया जाए। जो भी स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कच्चे कर्मचारी हैं, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी सुविधा जो हमेशा चलने वाली है, तो उनको समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाए, और जो कर्मचारी अब पक्के होते हुए कच्चे कर दिए उसके बारे में सरकार अध्यादेश लाए कि उनको वापिस मतलब निरस्त, वो जो सुप्रीम हाईकोर्ट का निर्णय हुआ है उसके उसने पॉलिसी को गलत बताया है। सरकार नई पॉलिसी लाए, बेहतर पॉलिसी लाए और सबको नियमित करने की ओर बढ़े, ये मांगे हमारी हैं। यदि सरकार ने इसकी गौर नहीं किया तो फिर हम पूरे तमाम स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी मिल करके आगे आने वाले समय में हम आंदोलन की ओर बढ़ेंगे निश्चित तौर पर। आज की बैठक के बाद हम ये तय करेंगे सरकार को महीने 2 महीने तक का हम ज़्यादा समय दे पाएंगे, उससे ज़्यादा का समय हमारे पास नहीं है, नहीं तो हम आंदोलन के लिए विवश होंगे। इसमें कुछ भी हो सकता है लेकिन जन विरोधी कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि हम तो जनता को लेकर के, जनता को साथ में लेकर के, जनता की सुविधाएं बढ़ाने के लिए, जनता के लिए जो खाली पद हमारे वो भरें, जनता को बेहतर सुविधाएं, जनपक्षीय हमारा आंदोलन रहेगा, जनता के साथ जुड़ के रहेगा, जनता से अलग नहीं होगा।